हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममास किंडरगार्टन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे किड्स एक्टिविटी, वो भी जन्माष्टमी स्पेशल। जन्माष्टमी आ ही रही है तो बच्चों के साथ भी क्यों ना क्राफ्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस एक्टिविटी के लिए जो सामान मैंने लिया है उसके लिए मेरे पास है यहाँ पे मोरपंख, ग्लू, रुई, ये टूथपिक है, इस तरह का एक कुंदन, बिंदी, ग्लिटर और पेंसिल रबर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग शीट पे मटकी का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमें करना है वो होगा ये टूथपिक को डेकोरेट करने का। इस टूथपिक को हम एज ए बंसुरी यूज़ में लेंगे। क्योंकि स्पार्कल्स को सूखने में टाइम लगता है तो सबसे पहले हम इसे डेकोरेट करके साइड में रख देंगे ताकि बाकी प्रोसेस हम कंप्लीट करें, तब तक ये बांसुरी के स्पार्कल जो है वो सूख के रेडी हो जाए। यहाँ पे मैं स्पार्कल यूज़ में ले रही हूँ। अगर आप एक्टिविटी करवा रहे हैं और आपके पास स्पार्कल नहीं है तो आप जो टूथपिक है उसे किसी और चीज़ से भी डेकोरेट करते रखते हैं, चाहे लेस हुई, चाहे टेप हुई, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उससे आप डेकोरेट कर दीजिए। आप चाहें तो थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलरफुल थ्रेड आप रैप कर दीजिए डिज़ाइन अकॉर्डिंग, उससे भी आप टूथपिक को डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्पार्कल की हेल्प से जो टूथपिक है उसे बांसुरी में कन्वर्ट कर दिया है, डेकोरेट कर दिया है उस तरह से। अब हम मटके का डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये डायमंड वाली बिंदी ली है। आपके पास जिस भी तरह की बिंदी अवेलेबल है तो आप उससे यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप बिंदी से नहीं करवाना चाहते तो जो फूड चीज़ें एडेबल चीज़ें होती है खाने पीने की, चाहे चावल हुए, कलरफुल को स्पार्कल्स हुए, आप सूजी हुई, आप उनसे भी इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। बटन से भी इस तरह की एक्टिविटी करवाई जा सकती है। आप चाहें तो वेजिटेबल आर्ट जो होता है लाइक लेडी फिंगर वगैरह को कलर में डिप करके और उससे जो पेंटिंग होती है उस तरह की पेंटिंग भी इस तरह की मटकी में करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिंदी से मटके के अंदर का जो डिज़ाइनिंग पैटर्न है वो सब ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ध्यान रखी है, जो डायमंड है वो सभी एक ही लाइन में अरेंज किए हैं ताकि वो चीज़ सिस्टमेटिक लगे। लास्ट में मेरे पास में ये डायमंड वाली बिंदी ख़त्म हो गई थी तो मैंने एक प्लेन बिंदी के ऊपर एक कुंदन स्टिक किया है। यहाँ पे टूथपिक हम अटैच कर देंगे इसे बंसुरी का लुक देने के लिए। ये देखिए, ये बिल्कुल बांसुरी की तरह लग रही है। यहाँ पे मैंने रुई ली है जिससे हम मटकी के ऊपर मक्खन शो करेंगे। ध्यान रखिएगा रुई को एकदम पतला पतला करके काम में लीजिएगा, मोटी मोटी लेयर होगी तो वो फिनिशिंग अच्छी नहीं देगी। जैसे आप देख सकते हैं बीच में मोटी लेयर है तो वो अच्छी नहीं लग रही है, बट जो लेयर को पतला पतला करके अरेंज किया है तो वो चीज़ अच्छी लुकिंग दे रही है। जिस सरफेस पे आपको कॉटन को स्टिक करना है उस सरफेस पे पहले आप ग्लू लगाइए, उसके बाद में वहाँ पे कॉटन रख दीजिए, नहीं तो आपके हाथ चिपचिपे हो जाएंगे तो कॉटन आपके हाथ पे चिपकने लगेगी। इस तरह से उस सरफेस को अच्छे से ग्लू से करते जाइए और कॉटन को पतला पतला करके आप उसे वहाँ पे अरेंज करते जाइए। ये देखिए, हमारी मटकी तैयार हो गई, हमारी बांसुरी तैयार हो गई। और बांसुरी पे क्रिएट करने के लिए मैंने जो मोरपंख के साइड में पंख होते हैं बैक साइड के, उन्हें काम में लिया, उन्हें ग्लू की हेल्प से मैं 2-3 पंख को यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। ये देखिए, ये मटकी, माखन, बंसुरी और ये यहाँ का सरफेस, ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। लास्ट में हम यहाँ पे मोरपंख स्टिक करेंगे। जो भी मोरपंख आपके पास अवेलेबल है उसे अच्छे से शेप दे दीजिए, कट कर लीजिए और यहाँ पे ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दीजिए।
जो भी हमारी आर्ट एक्टिविटी है उसका लुक भी बढ़ जाएगा। और जन्माष्टमी की बात हो रही है तो मोर पंख के बिना तो कृष्ण जी का श्रृंगार भी अधूरा है, तो हमारी एक्टिविटी कैसे पूरी हो सकती है अगर हम जन्माष्टमी की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मोर पंख बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्चुअल मोर पंख नहीं है तो आप कलर पैटर्न से भी इस तरह का मोर पंख बच्चे से ड्रॉ करवा सकते हैं। देखिए इसकी खूबसूरती बढ़ गई ना मोरपंख के साथ में। लास्ट में इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैं स्पार्कल ले रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हम स्पार्कल लगा देते तो वो गीले रहते और वो हमारा हाथ लग लग के फैल जाते, इसीलिए हम स्पार्कल सबसे लास्ट में कर रहे हैं। तो जो हमने कलश बनाया है, जो हमारी हांडी है उसके जो बाउंड्री लाइन है उसे हम स्पार्कल से अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि जो हांडी है उसका लुक और अच्छा बढ़ जाए। यहाँ पे आप स्पार्कल की जगह थ्रेड को भी यूज़ में ले सकते हैं, थ्रेड से भी पैटर्न बना के बाउंड्री क्रिएट की जा सकती है, चाहे तो कलर्स भी यूज़ में ले सकते हैं। इसे बीच में जो खाली जगह है उसे भी फिल करने के लिए मैं स्पार्कल की हेल्प ले रही हूँ। स्पार्कल गोल्डन कलर का मैंने लिया है, तो बीच बीच में जहाँ भी मुझे गैप दिखाई दे रहा है मैं वहाँ पे गोल्डन कलर के स्पार्कल से हल्की हल्की बिंदी लगा रही हूँ। यहाँ पे हमारा कलश, हमारी बांसुरी और माखन और साथ ही मोरपंख सभी कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे जन्माष्टमी है तो यहाँ पे मैंने जन्माष्टमी भी लिख दिया है, ताकि बच्चे को हम और ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। और लास्ट में ये मोर पंख की जो साइड की पंखड़ियाँ होती है उसी से मैंने ऊपर का जो लाइफ स्टिक किया है। देखिए हमारी जन्माष्टमी पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ बच्चों को एक्टिविटी करवाने के लिए। अगर आपको पसंद आई है तो आप भी अपने बच्चों के साथ इसे इंजॉय कीजिए।